बहुत बड़ा है भाई। दो बैलों की आर्मीज में घमासान युद्ध छिड़ गया था, जिसमें एक बैल बुरी तरह घायल हो गया। हम उसको रेस्क्यू करने तो चले गए, पर वहां पे जो हालात थे हम उनके लिए तैयार नहीं थे। वो भैया बुरा हॉर्न निकल गया इसका ना। हमें नहीं पता था कि वहां पे युद्ध अभी भी जारी है, और ये युद्ध भी किसी और युद्ध की तरह किसका कहां पे कब्जा है उसी बारे में था। आखिरकार छोटी छोटी सीमित सड़कें वहां पे कितने ही बैल आ सकते हैं। आगे चल गया, चलो बिना डांट गन से थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है ना। मुश्किल लग रहा, बहुत बड़ा है भाई। आ गया आ गया आ गया आ गया यहां आ गया। आमतौर पे हिमाचल में बैल छोटे कद के होते हैं, पर ये बैल इतना विशाल इसलिए था क्योंकि अब देसी ब्रीड्स को नष्ट करके हाइब्रिड ब्रीड्स ले आई गई हैं, क्योंकि वो ज्यादा दूध देती हैं। पर ना तो हमारे पास इन ब्रीड्स को पालने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा है, और ना ही हम इन्हें कंट्रोल कर पाते हैं। ने बाइक को अगर पकड़ते नहीं तो वो बाइक फेंक दी थी इसने। अब जिस घायल योद्धा का हम रेस्क्यू करने गए थे, उसे तो लगा कि भाई हम ही शत्रु हैं। अब देखिए, जैसे हमारे लिए सारे बैल एक समान है, चाहे वो इस पार्टी का हो या उस पार्टी का, हमें तो उनका इलाज करना ही है। तो ठीक उसी तरह उसको लग रहा था कि भाई सारे इंसान एक जैसे हैं और सारे इंसान सिर्फ उसको नुकसान ही पहुंचाएंगे। इससे पहले कि ये खुद और घायल होता या औरों को और घायल करता, हमारा इसको पकड़ना बहुत जरूरी था। पर वो अपने कमांडो उसको युद्ध में अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता था। अब एक ऐसे युद्ध में जहां 3.5 टन के योद्धा आपस में भिड़ रहे थे, हम रस्सी डंडा लेके पहुंचे थे, तो वक्त आ चुका था कि हम भी अपनी बैकअप टोली बुला लें। हमारे डॉक्टर और हमारा शूटर। अब बेहोशी की दवाई भरा पहला डार्ट मारने के बाद वक्त था थोड़े इंतजार का। गलत जगह पे जा रहा है, लाना वापस मुश्किल हो जाएगा। थोड़े और इंतजार का, पर हमारे जवानों के धैर्य का बांध अंततः टूट ही गया, और वो फिर चले उसको रस्सी से पकड़ने। इस पकड़ धकड़ में उसके अंदर भी जोश जागा, और वो बेहोश होता होता होश में आ गया। हम अपना धैर्य खो चुके थे, और हम उसे किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते थे। पर अगर हमें पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हम इंतजार करना ही बेहतर समझते। पूरा ऑब्जर्व कर रहा है वो। और फिर दूसरा शॉट। फिर इंतजार, इंतजार और थोड़ा और इंतजार। अब शाम हो चुकी थी, और सर्दियों में तो पहाड़ों में 6 बजे ही रात हो जाती है। तो शुरू हुई उसको पकड़ने की दूसरी कोशिश। बच गया मैं, मेरा शू वाइप है। अब की बार हमने उसको पकड़ने में जान लड़ा दी, और हमें लगा हम कामयाब भी हो गए। पर ऐसा सोचना हमारी मूर्खता थी। हमें लगा था कि हमने उसको पकड़ लिया, पर असल में तो उसने सरेंडर इसलिए किया था क्योंकि उसने मन बना लिया था कि उसने जो भी करना है अब हमारे खेमे में पहुंच के करना है। बस बस बस। लेकिन ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल तो हमारे सामने चैलेंज ये था कि इस गैंडे के बच्चे को गाड़ी में चढ़ाएं कैसे। वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, तो जो भी संसाधन उपलब्ध थे हमारी टीम ने उनका इस्तेमाल करके उसको जैसे तैसे गाड़ी में लादा।
अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर रहे हम तेरे को, ठीक करना हमने तेरे को, फिर रिलीज कर देना, अच्छा याद है ना। अब इसका इलाज ठीक चल रहा था और बाकी सब कुछ भी ठीक ही था, या शायद ऐसा सिर्फ हमें लग रहा था। पकड़ तो हम इसको लाए हैं, लेकिन इसको ठीक करना एक अलग ही कहानी होगी।